हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकी फार्म एंड केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्केडव लोशन के बारे में। एस्केडव लोशन क्या है, किस कंपनी का है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, इसका एमआरपी क्या है, इसे किस प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, इसके फायदे एवं नुकसान की भी बात हम करेंगे। दोस्तों, एस्केडव की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एस्केडव एरिस्टो कंपनी का लोशन है। 100 ml बोतल की कीमत 78 रूपीज है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें मुख्य इन्ग्रीडियंट्स के रूप में गाबा व्यंजन, हेक्सा क्लोराइड 1% वॉल्यूम पर वेट डाला गया और सेड्रीमाइड 1% डाला गया है। दोस्तों, गावा व्यंजन हेक्साक्लोराइड एक्सोपेरासाइड नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। यह घून और जू को मारता है। गामा व्यंजन हेक्साक्लोराइड लोशन एक कीटाणु नाशक है, जो कि खुजली और एस्केबिज जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से घाव, मामूली जलन का इलाज करने और संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खुजली के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह एक संक्रामक गति से खुजली वाले कीटाणुओं पर प्रहार करता है, उसको मारता है और सर के हमारे खोपड़ी के जो कीड़े पनप रहे हैं उसका भी सफाया करता है, उसको कम करता है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सेट्रामाइड में एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल गुण होते हैं। सेट्रामाइड बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर उसे नष्ट करता है, जिससे बैक्टीरिया पर प्रहार होता है और उसका खात्मा हो जाता है। यह उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर काम करता है, जिससे इसके बीच होता है और यह जू को नुकसान पहुंचाने और उनके अंडों को मारने में भी असरदार है। एस्केबिज माइट्स या घून नामक छोटे कीटों से होने वाली एक स्थिति है। ये कीट आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं, इसमें जलन का कारण बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यह लोशन एक एंटी पैरासाइट दवा है। यह माइट्स और उसके अंडों को पैरालाइज करके और मारकर काम करता है। आमतौर पर इस लोशन को चेहरे पर छोड़कर पूरे शरीर में लगाया जा सकता है, बालों में, सर के जड़ों पर लगाया जा सकता है। सप्ताह में एक बार आप लोशन को यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो सप्ताह में 2 बार आप लोशन को यूज कर सकते हैं। इससे माइट्स के कारण होने वाली खुजली, सूजन और लालपन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, लोशन को स्केबी करके एक ऐसा कंडीशन है जिससे छोटे छोटे कीटाणुओं का भी सफाया होता है। इससे के उपयोग से मुख्य रूप से घाव कटने और सेट्रामाइड उन कीटाणुओं को भी मारता है जो चिकित्सीय उत्पाद की सामग्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेट्रामाइड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के जीवों द्वारा होने वाली संक्रमण की रोकथाम कर सकता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही जीवाणु नाशक है। दोस्तों, खुजली एवं दाने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से प्रसार हो जाते हैं। इसके खत्म करने के लिए यह लोशन बहुत ही कारगर है। कुछ दिनों तक लगातार यूज करने पर बहुत ही राहत महसूस होता है। दोस्तों, त्वचा में चकते, लाल दाने और कीटों और कीटों के अंडों को पूरी तरह सफाया कर देते हैं। एस्केब्रट की बात करें तो माइट्स या घून नामक छोटे कीटों में होने वाली एक स्थिति है। ये कीट आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं एवं जलन का कारण बनते हैं। यह लोशन और उसके अंडों को पैलाइज करके उसे मारकर काम करता है। इससे खुजली और सूजन, लालपन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एस्केरब लोशन को कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, जब भी लोशन लगाना हो तो उसकी पतली पतली परत पूरे बॉडी में लगाएं। आंख, नाक, कान को दूर रखें। अगर गलती से चला गया तो उसे ठंडे पानी से धो ले। लोशन लगाकर 6 से 8 घंटा तक छोड़ दे, उसे पूरी तरह बॉडी को एब्जॉर्ब करने दे। उसके बाद आप ठंडे पानी या गुनगुने पानी से अच्छी तरह नहा ले। जब भी लोशन लगाया तो हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंडवाश से वॉश कर ले। इस लोशन को सप्ताह में 2 से 3 बार लगाना चाहिए। 1-2 महीना तक लोशन लगाने के बाद इसे बंद कर दे। साइड इफेक्ट की बात करें तो स्केरब लोशन लगाने से स्किन ड्राई हो सकता है, हल्का चुनचुनाहट हो सकती है। प्रॉब्लम ज्यादा हो तो देर तक नहीं रहना लगाना है आप। इसके बाद कुछ समय लगाने के बाद यह खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें।
कमेंट करके जरूर बताया दोस्तों की वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते दोस्तों मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।